नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिटक शॉप में। जैसा कि हम कल वाली वीडियो में पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ टाइप के सवाल हमने किए, कुछ मेंस लेवल के भी सवाल किए। दोस्तों आज हम फिर आगे बढ़ेंगे अगली टाइप को लेकर के, ठीक है। आज की टाइप काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप होगी, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कह दूँ, एक दुकानदार दो वस्तुएँ हैं, पहली वस्तु को बेच देता है 15% के लाभ पर। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेच देता है। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस पहली वस्तु के सेलिंग प्राइस से 360 ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 360 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। और पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। पूरे सौदे में हमको 20% का लाभ हो रहा। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए, दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत बताएं यदि उनके क्रय मूल्य बराबर हों, इफ CPR सेम। फिर से एक बार सवाल समझ लीजिए। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेच देता है। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य से 360 रुपये ज़्यादा है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हैं। पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। तो किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। दोनों का सेम है तो किसी एक की कीमत आपसे पूछ रही। अब दोस्तों देखिए, अगर हम दो वस्तुएं हैं, अगर मैं CP ले लूं पहली और दूसरी। देखिए, जब भी आपसे कहे किसी वस्तु के क्रय मूल्य बराबर है, आप अपनी समझ से या अपने हिसाब से हमेशा 100 रुपये मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। लेकिन अगर आपसे कभी कह दिया कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो आप कभी भूल के भी 100 रुपये ना माने। क्यों, अगर आप सेलिंग प्राइस मान लोगे 100 रुपया, देखिए 100 की चीज़ 10% में गई, 110 तो हुआ। लेकिन 110 का अगर 10% घटाओगे आप, तो ये 100 नहीं होगा, 99 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर CP बराबर है तो दो वस्तुओं में से हमने प्रत्येक वस्तु की कीमत को कितना मान लिया है भाई, 200 रुपये। अब देखिए, पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये 15% लाभ पर जा रही, तो हम 115 में बेचेंगे। दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हो रहा। 200 रुपये की चीज़ 20% का लाभ, तो हम बेचेंगे कितने में, 240। 20% लाभ हो गया। देखिए, मुझे पूरे सौदे में 240 रुपये कमाना है, और उसमें से पहली वस्तु को मैंने 15% लाभ पर बेच के 115 कमा लिया, तो मुझे दूसरी पर कमाना कितना होगा, 240 में से 115 घटाएंगे, तो मुझे दूसरी वस्तु पे कमाना होगा 125 रुपये। तो आप देखिए, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस पहली वस्तु के सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा है, 115 और 125 में अंतर कितने का है, 10 का। सवाल में तो कह रहा 360 ज़्यादा है, तो एक बता रही दोस्तों कितने को, 36। तो आप किसी की CP निकाल लीजिए, पहली की भी 3600 हो गई, दूसरी की भी 3600 हो गई। क्लियर है, फिर से समझिए, दो वस्तुएं हैं, दोनों की CP 100-100 रुपये, तो 200 रुपये हो गई। पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया 115, दूसरी को बेच दिया पता ही नहीं था, पूरे सौदे में 20% का लाभ हो रहा, तो 240। तो 240 रुपये कमाना है, उसमें से 115 रुपये आप कमा लिए। अब आपको कमाना कितना पड़ेगा, 240 माइनस 115, 125। तो दोनों वस्तुओं में दूसरी का सेलिंग प्राइस पहली के सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा होगा, 10। सवाल में कह रहा 360, एक बता रही दोस्तों 36, तो 100 बताएगी कितने को, 3600। क्लियर है। देखिए, इस पहले सवाल में हमने दोनों की CP बराबर की है। अब हम जैसे ही आगे बढ़े, देखिए इस सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। कैसे, जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हैं, मुझे दोनों पे 20% कमाना है, दोनों की CP बराबर है, दोनों पे 20% कमाना, तो मुझे यहाँ भी 20 कमाना होगा, यहाँ भी 20, तो मुझे 40 कमाना था। पहले पे मैं 15 कमा लिया, तो 5 यहाँ का बाकी है और 20 यहाँ का, तो टोटल कितना बच गया, 25। 15-25 में अंतर कितने का, 10। 10 बता रही कितने को, 360। एक बताएगी भाई 36, तो 100 कितने को बताएगी, 3600। तो ये डिपेंड करता है कि आप सोच कैसे रहें। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं। इस सवाल में हमने CP बराबर की है, अब हम इसके आगे बढ़ें।
तो हम सी पी एस पी बराबर कर सकते, एस पी बराबर कर सकते, देखिए अब मैं कहूँ कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में से पहली को 15% की हानि पर बेच दिया, एट ए लॉस ऑफ 15%, दूसरी को 19% के लाभ पर बेच दिया, सेकेंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 19%। अब मैं कहूँ इन दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, इन दोनों के विक्रय मूल्य क्या हैं, बराबर हैं, पूरे सौदे में 90 रुपये का नुकसान होता है, ठीक समझ पा रहे हैं आप। पहले वाली को 15% की हानि बेच दिया, दूसरे को 19% के लाभ पर, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, कह रहा पूरे सौदे में अगर 90 रुपये का नुकसान हो जाता है तो बताइए दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। सवाल अगर समझ पा रहे हो एक बार इसको उतार लीजिए फिर हम हल करते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से पहली को 15% की हानि, दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, पूरे सौदे में 90 रुपये का नुकसान होता है, तो दूसरी वस्तु का सेकेंड आर्टिकल का सीपी कितना होगा। ठीक अब यहाँ देखिए सीपी बराबर नहीं है, यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर है, तो अब यहाँ ऐसा नहीं कि आप सेलिंग प्राइस 100 रुपये मान लेंगे, क्लियर है। देखिए मैं ये हो गई पहली वस्तु, ये हो गई, ये पहली मान लेते हैं और ये दूसरी, ये सीपी और ये एसपी, क्लियर है। देखिए पहली को मैं बेच रहा हूँ 15% की हानि, 15% की फ्रैक्शन होती 3/20, आप 15/100 करोगे तो 5 से कट जाएगा, 20 रुपये की चीज 3 रुपये का नुकसान, तो बेचेंगे कितने में, 17 में। देखिए आप 185 भी लिख सकते हैं, बहुत लोग लिखते भी हैं, लेकिन डाटा जितना ही बड़ा होगा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, दिक्कत आपको आएगी आगे, इसीलिए हमेशा फ्रैक्शन का इस्तेमाल करिए। 20 रुपये की चीज़ 3 रुपये का नुकसान, 17 रुपये में आपने बेच दिया। दूसरी वस्तु को आप 19% के लाभ पर बेच रहे हैं, 19/100, तो 100 रुपये की चीज़ आप बेच कितने में दिए, 119। देखिए अब यहाँ मजबूरी है कि आप काट नहीं सकते, 19 इज़ ए प्राइम नंबर। कहा दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है, तो मैं दोनों की सेलिंग प्राइस अगर बराबर करूँ तो इसको 119 बनाऊँगा, तो 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 7 का करना होगा। देखिए 140, 100, दोनों मिला करके पैसा कितना लगा दिया हमने, 240 और दोनों मिला करके हम कमा कितना रहे हैं, 238, तो 240 और यहाँ 238, देखिए आपको नुकसान कितने का हो गया, 2 रुपये का, 2 बता रही 900, 1 बता रही 450। पूछा आपसे क्या था, दूसरे की सीपी 100 गुड़े, सवाल में आपको 90 रुपये का ही नुकसान हुआ था, 900 का नहीं, तो 2 बता रही 90, 1 बता रही 45, तो 100 बताएगी कितने को भाई, 4500। आपसे पहले का पूछ देता हम 45 में 140 का गुणा कर देते, 6300। सेलिंग प्राइस पूछ दे हम 45 में 119 का गुणा कर दे, तो फिर से समझिए 20 रुपये की चीज़ 3 रुपये का नुकसान हुआ, 17 में गई, 100 रुपये की चीज़ 19% का लाभ हुआ, 119 में गई, दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, 17 × 7 119, तो इधर भी गुणा किया, दोनों मिला के पैसा हमने कितना लगा दिया, 240, दोनों मिला के हम बेच कितना में रहे हैं, 238, नुकसान कितने का, 2 का, सवाल में कितना कह रहा, 90, 1 बता रही 45, तो जो भी आपसे पूछा हो, पूछा 100 था 4500, 140 पूछता 6300, समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ 2 सामान है, मैं चाहूँ यहाँ से 3 सामान में लगा दूँ, देखिए
देखिए, जैसे मैं कह दूँ, एक दुकानदार है, पहली वस्तु को वो 10% की हानि पर बेच रहा, दूसरी को मैं कह दूँ 20% के लाभ पर बेच रहा, और एक तीसरी को मैं कह दूँ कि 25% की हानि पर बेच रहा। तीनों के विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द थ्री आर सेम, और आपसे कह दे कि पूरे सौदे में 60 रुपये का नुकसान हुआ, तो तीनों वस्तुओं के अलग अलग क्रय मूल्य बताएं। सेलिंग प्राइस क्या है? तीनों के बराबर है, विक्रय मूल्य आर सेम। तो देखिए, आपको यही करना था, 10% का मतलब 1/10, 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये की हानि 9 में गई, 20% का लाभ 1/5, तो 5 रुपये की चीज 6 में गई, 25% की हानि 1/4, 4 की चीज 3 में गई। ध्यान से देखिएगा, ये हानि है इसलिए हमने घटाया है 10 से 9, ये प्रॉफिट है इसलिए हमने जोड़ा है 5 से 6, ये भी नुकसान है इसलिए हमने घटाया है 4 से 3। तीनों के विक्रय मूल्य क्या हैं? बराबर हैं। तो तीनों के विक्रय मूल्य को हम बराबर करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, 9, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 18। तो अगर 18 बनाना हो तो यहाँ भी और फिर यहाँ भी, देखिए ये तीनों हो गए 18, 18 और 18, 54। यहाँ पैसा लग गया 20, 15, 24, 59। तो पैसा लग गया 59 रुपये, बेच कितने में रहे हैं? 54 में। तो आपको नुकसान कितने का हो गया? 5 रुपये का। तो 5 रुपये बता रही 60 को, 1 बता रही 12, तो 20 बताएगी 240, 15 बताएगी 180, 24 बताएगी 288। तीनों के अलग अलग सीपी आ गए। देखिए 10, 20 × 12, 240, 15 × 12, 180, 24 × 12, 288। सेलिंग प्राइस पूछ देता, 1 बता रही 12, 18 × 12, 216। तो हर सामान हमने बेचा कितने में? 216 रुपये। कोई डाउट हो बताइए, कोई समस्या हो? नहीं है। देखिए, हमने सेलिंग प्राइस बराबर किया है, फिर से समझें, 10% की हानि 10 से 9, 20% लाभ 5 से 6, 25% हानि 4 से 3। बराबर होने का मतलब एलसीएम, एलसीएम 18 है, 18 बनाने के लिए 2 से गुणा 3 से गुणा 6 से गुणा, 2 से गुणा 3 से गुणा 6। कोई भी अगर गुणा आप करेस्पॉन्डिंग सीपी में करते हैं तो एसपी में भी होना चाहिए, और अगर एसपी में कर रहे हैं तो सीपी में भी होना चाहिए, तभी प्रॉफिट परसेंट मेंटेन रहेगा। तो 59 रुपये की चीज़ आप 54 में बेच दिए, 5 का नुकसान हो गया 60 पे, 1 बता रही 12। अब जो भी पूछा उसमें हमने 12 से गुणा किया। देखिए, इसके पिछले सवाल में हमने सीपी बराबर की थी, उसके बाद हमने एसपी बराबर की 2 आर्टिकल पे, फिर हमने एसपी बराबर की 3 आर्टिकल पे। अब हम थोड़ा क्रास बराबर करते हैं, मतलब एक की सीपी और दूसरे की एसपी को बराबर करते हैं। देखिए, अब हम 2 आर्टिकल लेते हैं। मैं कह दूँ, एक दुकानदार पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया, एट ए लॉस ऑफ 10%, और दूसरी को मैं कह दूँ कि 25% के लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट ऑफ 25%। अब मैं आपसे कहूँ कि दूसरे का सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ सेकंड बराबर है सीपी ऑफ फर्स्ट, मतलब दूसरे का विक्रय मूल्य पहले के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। और इन दोनों वस्तुओं को 1100
1710 रुपये में बेच दिया गया है। बोथ द आर्टिकल्स आर सोल्ड इन रुपीज 1710, मतलब दोनों को मिला करके। तो आपसे पूछ देगा पूरे सौदे में लाभ या हानि रुपयों में बताएं, फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन रुपी। ठीक, तो करते हैं इसको भी। देखिए देखिए हम सीपी और एसपी लिख लें, ध्यान से समझिएगा। पहली वस्तु और दूसरी, मैंने पहली को बेच दिया 10% की हानि, तो 1/10, तो 10 रुपये की चीज़ गई कितने में, 9 में। मैंने दूसरी को बेच दिया 25% के लाभ, तो 4 रुपये की चीज़ गई कितने में, 5। अब देखिए अगर यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर होती तो हम इनको बराबर करते। यहाँ कह रहा आप दूसरे की सेलिंग प्राइस पहले की सीपी के बराबर है, मतलब अगर ये 10 रुपये है तो ये भी 10 होगी। तो अगर हम इसको 10 बनाएं तो इसमें भी गुणा करेंगे। तो देखिए हमने टोटल सौदे में पैसा लगा दिया 18, हम टोटल कमा कितना रहे हैं, 19। देखिए आपको लाभ कितने का हुआ, 1%, मतलब 1 यूनिट का, परसेंट नहीं कह सकते। तो फिर से समझिए, 5 को हमने 10 बनाया, 10 9, 10 8 18, 9 10 19, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब इस यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकालें, तो आपसे सवाल में कहा कि दोनों को मिला करके 1710 में बेच दिया, आपने बेचा 19 में, 19 बता रही 1710, 1 बता रही 90, आपको प्रॉफिट भी कितना हुआ था, 1 का। तो आंसर हो जाएगा भाई 90 रुपये का लाभ। क्लियर है? तो यहाँ हमने क्या किया, एक की सेलिंग प्राइस को दूसरे की एसपी के बराबर, सीपी के बराबर किया। कोई डाउट हो बताएं। ठीक है, बढ़ें आगे। अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें। अगर मैंने आपको शुरुआत में एक टाइप बताई थी कि जब हमको विक्रय मूल्य पर लाभ होता है तो हम दोबारा लौट के आ कहाँ जाते हैं, सीपी पर। ठीक है, देखिए इसी टाइप में अभी जैसे आपको सवाल बनते हैं और सवालों में कभी कभी आंसर ऑप्शन से हिसाब से निकालना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, देखिए मैं नॉर्मली कह दूं कि मेरे पास दो आर्टिकल हैं, पहली को मैंने 20% के लाभ पर बेच दिया और दूसरी को मैंने 20% की हानि पर बेच दी। अब मैं आपसे पूछ दूं कि पूरे सौदे में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, सेम प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट है, सेम प्रॉफिट परसेंट लॉस हो रहा, सेम परसेंटेज, तो सीधे आपने फार्मूला पढ़ा R² / 100, तो ये हो जाएगा 400/100, तो हमको हानि हो गई 4% की हानि। क्लियर है? अगर मैं 10% के लाभ पर बेचता, यहाँ 10% की हानि होती, तो 10² / 100, 1% की क्या होती, हानि, हमेशा हानि ही होती है। क्यों, आप 100 की चीज़ 10% लाभ पर बेचिए 110, फिर 110 से 10% घटेंगे तो 11 घट के 99 पे पहुंच गए, 100 की चीज़ 99 में गई तो आपको नुकसान 1 का होगा, कितने पे, 100 पे 1%। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि 4% की हानि हो रही, 20% लाभ 20% हानि ऐसा नहीं लिखा, तो फिर ऑप्शन किस हिसाब से है, हम उस हिसाब से आंसर देखते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास कोई दो सामान है, पहले को मैंने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे को मैंने 20% की हानि पर बेच दिया, और सवाल में ये भी लिखा है कि मैंने दोनों को 1-1 लाख रुपये में बेचा है, ये भी 1 लाख और ये भी 1 लाख, दोनों को हमने 1-1 लाख रुपये में बेचा, तो कहा बताइए सौदे में हानि या नुकसान क्या हुआ। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कहा 1/12 लाख की लाभ हो रहा, दूसरा ऑप्शन दे रखा आपको 1/24 लाख का लाभ हो रहा, और तीसरा ऑप्शन सी दे रखा आपको 1/12 लाख की हानि, और डी दे रखा भाई 1/24 लाख की हानि। तो हमको इसमें कहीं 4% तो दिख नहीं रहा, तो आप ध्यान से देखें। देखिए दो वस्तुएं हैं, पहली दूसरी, ये सीपी और ये एसपी, 20% का लाभ हो रहा 1/5, तो 5 रुपये की चीज़ जाएगी कितने में,
छः में। अब यहाँ 20% की हानि हो रही, 1/5, तो 5 की चीज़ जाएगी कितने में, 4 में। देखिए अब सवाल में ऐसा कहा नहीं कि सेलिंग प्राइस बराबर है, ये तो कहा है ना कि दोनों को 1-1 लाख में बेच दिया, इसका मतलब कि दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर मैं इसको बराबर करूँगा तो हम ऊपर गुणा कर दें 2 का, 12 बनाएंगे। तो देखिए हमने पैसा लगा दिया 25 और हम सामान खरीद कितना रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं, 24 में। तो 25 रुपये की चीज़ 24 में गई, तो अब आपको नुकसान तो होने लगा 1 यूनिट का, लेकिन इस 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से ले आए। तो देखिए दोनों सामानों को मिला के 2 लाख रुपए में बेचा गया, तो ये 24 बताएगी 2 लाख को, 1 बताएगी 1/12, तो 1/12 लाख की हानि हो रही, क्यों, 25 की चीज़ गई 24 में। तो यहाँ सही क्या हो गया भाई, ऑप्शन सी, क्लियर है। फिर से देखिए 20% लाभ है 1/5, 5 की चीज़ 6 में गई, 20% की हानि है, 5 की चीज़ 4 में गई, दोनों को 1-1 लाख में बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है। अब मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ, 12 12 24 हो गया, यहाँ 10 15 25 25 की चीज़ 24 में गई, नुकसान कितने का, 1 का। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से आएगी कि ये दोनों मिला करके आपने 24 रुपये 2 लाख में बेचा है, 24 बता रही 2 लाख, 1 बता रही 1/12, तो आपको हानि हो रही है, तो 1/12 लाख की क्या हो गई भाई, हानि, क्लियर है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि ऑप्शन किस हिसाब से है। पता चला आप 20% के चक्कर में 4% ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन में 4% कहीं है ही नहीं। हम थोड़ा सा इससे हटके एक और सवाल करेंगे अलग सा। देखिए आपसे जैसे कह दिया कि गीता और रीता, देखिए दो लड़कियां हैं गीता और रीता, इन दोनों ने एक सामान 4200 रुपये में बेच दिया, मतलब दोनों के पास एक एक सामान है जो दोनों कितने में बेच देती हैं, 4200 रुपये में। देखिए गीता लाभ की गणना CP पे कर रही, क्रय मूल्य पे, और रीता लाभ की गणना सेलिंग प्राइस पे कर रही, विक्रय मूल्य पर। कहा दोनों को सेम प्रॉफिट परसेंट हो रहा, 16:2/3, 16 सही 2/3, तो इनके क्रय मूल्यों में अंतर बताएं, फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर CP। इनके आपको क्रय मूल्यों में क्या बताना है, अंतर बताना है। सवाल फिर से सुन लीजिए, गीता और रीता प्रत्येक एक सामान 4200 रुपये में बेचती हैं, इसको CP पे प्रॉफिट गेन कर रही और ये सेलिंग प्राइस पे, दोनों को प्रॉफिट हो रहा 16:2/3 का। तो अब आपसे कह रहा कि इनके क्रय मूल्यों में अंतर बताएं, क्लियर है, समझने की कोशिश करिए। देखिए ये गीता हो गई और ये रीता, ये CP हो गया और ये SP। 16:2/3 का मतलब 1/6 होता है, याद करिए पहला लेक्चर मैंने बताया था, CP पे प्रॉफिट हो रहा तो 6 रुपये की चीज़ 1 रुपये का लाभ हम 7 रुपये में बेचते हैं, लेकिन अगर यही सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होने लगा तो मैंने आपको बताया कि बेचेंगे कितने में, 6 में, इसी में 1 रुपये का लाभ है, तो वस्तु की कीमत रही कितनी होगी, 5 रुपये, क्लियर है। फिर से समझिए, अगर CP पे हो रहा तो 6 रुपये की चीज़ 7 में गई, अगर सेलिंग प्राइस पे होने लगा तो हम बेचेंगे 6 में, इसी में 1 रुपये का लाभ है, तो वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, 5। अब सवाल में देखिए कहा दोनों को 4200 में दोनों ने बेचा है, तो हम इसको 4200 बनाएं अगर तो 600 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी करना होगा, अगर इसको 4200 बनाएं तो 700 का गुणा, तो यहाँ भी करना होगा। तो देखिए दोनों की सेलिंग प्राइस 4200 आ गई, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 100 का, तो इनकी CP में डिफरेंस कितने का हो गया भाई, 100 का, समझ पा रहे हैं, बस ये गौर करिएगा,
सीपी पे हो रहा तो छह की चीज साथ में, सेलिंग प्राइस पे होगा तो इतने में बेचेंगे उसी में एक रुपये का लाभ है। वस्तु की कीमत कितनी? पाँच। मान लीजिए मैं कहता सीपी पे 20% हो रहा तो पाँच की चीज़ छः में जाती, सेलिंग प्राइस पे होता तो हम इसी पाँच में बेचते उसी में एक रुपये का लाभ होता, वस्तु की कीमत कितनी होती भाई? चार रुपये। देखो सेम सवाल, देखिए छोटी सी एक ट्रिक बताएं आपको, ये इतना भी हल करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अगर एक को सीपी पे प्रॉफिट हो रहा और एक को एसपी पे, दोनों की सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट परसेंट है वो सेम हो, 16 2/3, तो देखिए 1/6 हुआ, 6 की चीज़ 7 में गई, 6 7 का एलसीएम कितना? 42। देखिए ये जो एलसीएम होता है ये हमेशा सेलिंग प्राइस को डिनोट करेगा, तो ये 42 बता रही 4200, तो एक बता रही कितने को? 100। देखिए जो ये एक यूनिट की वैल्यू आती है वो हमेशा सीपी में डिफरेंस आएगी, फिर से समझिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 16 2/3 का फायदा है तो 1/6, 6 की चीज़ 7 में गई, 6 7 का एलसीएम 42, ये सेलिंग प्राइस को बताएगा 4200, एक बताएगी 100, एक यूनिट की वैल्यू सीपी में डिफरेंस होती है। जैसे हम एक दूसरा सवाल नहीं देखिए, मैं इसी पे आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि हम डायरेक्टली कैसे आंसर लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं कि ए और बी ने सामान बेच दिया 7200 में, दोनों को प्रॉफिट परसेंट हो गया 12.5%, एक को सीपी पे हो रहा है एक को एसपी पे, क्रय मूल्यों में अंतर बताइए। 12.5% का मतलब 1/8, 8 रुपये की चीज़ 9 में गई, एलसीएम कितना हो गया? 72 बता रही 7200। देखिए आंसर आ गया 100, ये 7200 ना होता, मान लीजिए 21600, 3 गुना है, देखिए 72 बता रही 21600, 1 बता रही 300, तो आंसर सीपी में डिफरेंस कितना हो जाता? 300। क्लियर है? इसका उल्टा सोचिए, मान लीजिए सेलिंग प्राइस ना दिया हो, यही दिया होता, जैसे 300 दिया होता 21600 ना दिया होता, तो सेलिंग प्राइस बड़ी चीज़ है, फिर हम गुणा कर देते 72 × 300 21600। तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप थी दोस्तों, ऐसे सवाल करें। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब ना करें, कम से कम इसको देखें, इसको शेयर करिए, इसको आगे तक बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही हम लाइव क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।